हेलो, गुड इवनिंग सब दोस्त लोग। मैं आज आप लोग को कैसे झंडी मुंडा और डाइस और झंडी बुर्जा भी कहता है, लंगूर बुर्जा भी कहता है, सो इसको कैसे जीतने का है, इसका कुछ मैं टिप्स आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये आप लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होएगा, क्योंकि हर दिवाली पे नेपाल में, इंडिया या दूसरा बांग्लादेश, हर स्पेशली ये एशियन कंट्री में खेला जाता है ये फेस्टिवल में। यह एक्चुअली गैम्बलिंग जैसा है, लेकिन ये जस्ट इंटरटेनमेंट के लिए खेलना चाहिए। इसमें ज़्यादा आदमी ध्यान देना अच्छा नहीं है। ओके, तो इसको कैसे जीतने का है मैं आप लोग को ट्रिक्स बताता हूँ, ये आप ध्यान से सुनिए। ये आप लोग कहीं भी खेलेंगे तो आप लोग जीतेंगे, ठीक है। सो मेरा फॉर्मूला फॉलो कीजिए, ठीक है। सो ये है, ये देखिए। सो इसको बोलता है चिड़ी, ओके। इसको बोलता है मुंडा, इसको बोलता है भोटे, इसको बोलता है ईटा, इसको बोलता है झंडी, इसको बोलता है पान, ओके। सो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो ये डाइस का गेम है ऐसा चलता है, ये घड़ी का तरह, ओके। सेम घड़ी का जो चलता है ऐसा चलेगा, ये हमेशा ये याद रखने का है। समझो खेल रहा है तो इमिडिएटली आप पैसा नहीं रखने का है, ठीक है। आप देखो एक दो तीन बार लाजिम देखने का है, कैसे खेल रहा है ये लोग, कैसे हिला रहा है ये जिसका बॉक्स होता है ना, बॉक्स में 6 डाइस होता है। सो इसमें भी इच पार्ट में 6 पार्ट होता है, ये एक होता है, इसका ये होता है, इसका होता है, इसका होता है, ठीक है। ये सीढ़ी के नीचे ये भोटे होता है, यह पान का नीचे ईटा होता है, और मुंडी का नीचे झंडी होता है। एक दी ये लोग को अपोजिट में होता है, ठीक है। सो हमेशा डाइस ये तरह चलता है। आज मान लो चिड़ी आ गया, सो नेक्स्ट राउंड में कितना आदमी हिला रहा है, ज़्यादा हिला रहा है तो एक दो स्टेप तक जाएगा, ओके। और कितना बार हिला रहा है वो हिलाने में डिपेंड होता है, से कैसे हिला रहा है। अगर रोलिंग हिला रहा है, रोलिंग ये उल्टा सीधा वो कर रहा है, तो ठीक है, वो मिक्सिंग है। सो ऐसा है तो स्पेशली काला से लाल में जाने का चांस है, ओके। उसका बाद झंडी में आएगा, उसका बाद पान में आएगा, इसके बाद चिड़ी में आएगा, इसके बाद मुकुट में आएगा, इसके बाद भुटे में जाएगा। ये रूल्स है, इसका ये चलते रहता है। ये 12 बार ऐसे होता है, 12 टाइम्स ऐसा होगा, फिर इसको उल्टा भी आएगा, फिर ये इसका रूल्स है, ठीक है। हमेशा आप खेलने का तरीका क्या है, आप 5 रुपया से शुरू करो, 5 पहले पूछने का है कि लिमिट कितना तक दे सकते हैं। आपका पास पैसा होना चाहिए कम से कम 10-20 हज़ार होना चाहिए, ओके। सो 5 से शुरू कीजिए, 5 रखिए, नहीं आया फिर इस इधर जाओ 10 रखो, इधर जाओ 20 रखो, इधर जाओ 40 रखो, इधर जाओ 80 जाओ, ऐसा डबल लाजिम एक बार आपको आएगा, उस टाइम आपको जीत जाएगा। फिर आप नीचे जाने का है, आप एक बार जीत जाएगा, फिर 5 से शुरू करो, 5, 10, 20 ऐसे 40 ऐसे शुरू करके आप जीत जाएंगे, ठीक है। कभी भी ये आज शायद आएगा बोल के 200, 300, 5000, 2000 ऐसे नहीं मारने का है, नहीं लगाने का है, ठीक है। ये रूल्स है, कौन सा आएगा ये किसी को पता नहीं है, बॉक्स का अंदर जो है, लेकिन रूल्स में बताया है ये ऐसे चलता है, ऐसे चलते चलेगा हमेशा। सो ये एक तरीका है, और दूसरा तरीका खेलने का क्या है, आप डबल खेलने का है। डबल खेलने का है तो कैसे खेलने का है, हमेशा लाल लाल, अगर
आपका बजट 20 रुपये है तो 10-10 राखी है ये लाल लाल में, ओके ठीक है। अगर दूसरा है तो फिर ये झंडी मुंडा में डबल 10-10 रखने का है, नहीं तो ये 10-10 रखने का है। सो इसमें से प्रोबेबली चांस आता है कोई ना कोई आ जाएगा, ठीक है, ऐसा खेलने का तरीका है। और हमेशा आप लिमिट से खेलिए, और आपका पास तकरीबन 10-20 हज़ार आ गया साथ में या कुछ जीत गया तो उधर से आप चले जाना है। ये नहीं सोचना कि और भी मैं खेलूँगा और भी मेरे पास पैसा आएगा बोल के आप बैठेंगे तो आप हार जाएंगे, जितना भी पैसे है वो सब चला जाएगा, ठीक है। सो हमेशा आप लिमिट से खेलिए, ये खेलने का तरीका बताया है जो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ऐसा चलता है, ये ऐसा घूमते रहता है घूमते रहता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट रूल्स है। और दूसरा बार अगर ये तरीक़े से नहीं जीता तो दूसरा तरीका खेल सकते हैं आप कौन सा आते रहता है, यूजुअली कौन सा डाइस आ रहा है, ओके कौन सा आ रहा है, जो नहीं आता है उसमें लगाने का है। जैसे 6 बार समझो ये ईटा का छः, आपने नोटिस किया, आपने देखा कि 6 बार नहीं आया ये ईटा, ओके तो आप ईटा को ईटा में लगा दीजिए 2-4 बार, 5, 10, 20, 40 लाजिम ये इसमें आएगा, ठीक है। ये एक अनोखी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं बहुत बार खेला है, मैं जस्ट इंटरटेनमेंट के लिए 10-20-50 का खेलता हूँ, उतना ज़्यादा तो नहीं खेलता हूँ, हमेशा मैं जीतता हूँ। सो ये तरीका आप लोग अपनाइए और ये तरीके से खेलिए, आप कहीं भी नहीं हारेंगे, ठीक है। सो आपको अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, और कैसे खेलने का क्या तरीका है। अभी मेरे पास डाइस नहीं है इसलिए मैं ये जस्ट ये इसमें दिखा रहा है। सो अगर डाइस होता था मैं प्रैक्टिकली आप लोग को दिखाता हूँ कैसे जीतने का बोल के, ठीक है। सो अच्छा लगे तो कमेंट्स कीजिए क्या करने का कैसे करने का। आप लोग को मैं नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ, अवेलेबल के लिए थैंक यू सो मच।